रीवा पुलिस लाइन में एसपी की मौजूदगी में पुलिस स्टाफ से परेड कराई गई और बम स्क्वाड वाहन का निरीक्षण भी किया गया है। आपको बता दें कि रीवा जिले में कोविड के बाद लगभग 3 वर्षों बाद परेड का कार्यक्रम रीवा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में शुरू हुआ। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के चलते सभी प्रकार के कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे, मगर अब कोरोना खत्म हो चुका है, जिसके बाद फिर से परेड शुरू कर दी गई है। यह परेड अब नियमित चलती रहेगी। साथ ही एसपी ने बम स्क्वाड वाहनों का भी निरीक्षण किया है। काफी दिनों से कोरोना के चलते परेड को स्थगित किया गया था, वर्तमान में परेड पुनः प्रारंभ कर दी गई है। इसके माध्यम से अनुशासन स्थापित करने, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनसे संवाद स्थापित करने का एक अवसर रहता है। इसके साथ साथ अभी पुलिस लाइन का भ्रमण भी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस परिवार जिन आवासों में निवास करते हैं, साथ ही साथ वहां पर अन्य व्यवस्थाएं क्या हैं, बच्चों की खेलकूद की, लाइन की साफ़ सफाई की, एक प्रकार से पूरा सबका भ्रमण करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सबके भागीदारी से हम इसको और कैसे बेहतर। कब आया है ये? आया है सर एक साल हो गया। तो अपने बीच में आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि संडे के संडे अपन एक्स्ट्रा लॉन्ग ट्रेनिंग कराओ, पता पड़ा इनको, आपने बोला चलो लॉ ऑर्डर हो गया। एक ने बोला मेरे यहाँ बेटी की शादी है, एक ने बोला मेरा ऑपरेशन हुआ है, सब जीरो। मुझे गाड़ी पे ट्रेंड 2 आदमी नहीं चाहिए, हर गाड़ी पे कम से कम 8-8 आदमी ट्रेन कराओ तत्काल, एक नहीं दूसरा नहीं तीसरा नहीं। देखो क्या करते हैं उसको बताओ मेरे को। देखो इसमें कहीं रखा हो पुलिस के अमले। उसमें क्या और कमी लग रही है, जो समस्या है वो मेरे को बताओ। और एम टी साहब पढ़ते दिन का नोट करके जाओ, ठीक है। ये इंडक्शन कोर्स है ना, ये सब लोग गंगूला सर नहीं चल जाएगी, सबका कैप नहीं आ जाएगा, और हेल्थ कार्ड वाली टीम एक बार सबसे मिल जाएगी, तो उनको कोई भी किसी का हेल्थ कार्ड रह गया तो सबसे लास्ट में वो उनको देखो देना है। आप भी दिख रहा है मेरे को, 3-4 जगह तो, पर इनको मैंने हटा रखा है और प्रैक्टिस करा चुके हम लोग हर गाड़ी के लिए। आप कितने लोग खैर कर लोगे, कम से कम 5-7 लोग जो उसको ड्राइव करना और उसको ऑपरेट करना चाहोगे, ड्राइवर मत हो कोई दिक्कत नहीं है, पर 5-7 लोग उनके नाम, उनके दोनों फोन नंबर, उनकी पदस्थापना, जिससे कि जरूरत पड़े तत्काल उसको अपन उपयोग कर सकते हैं।